नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम चाल, समय और दूरी की धारणाओं को समझें और इनके सूत्रों को समझकर व्यावहारिक प्रयोग करें। ये समझें कि सूत्र कहाँ से आया है, सूत्र कैसे पैदा हुआ है। चाल, समय और दूरी के प्रश्न हल करें और गणित के कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिताओं की तैयारी करें। आपको बता दें कि ये चाल, समय, दूरी केवल पाँचवीं श्रेणी में आता है, उसके बाद सीधा ही कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर ये बार बार विषय नहीं आता, इसलिए आपने ध्यान से यहीं पर करना है, इसको अवधारणाओं को समझना है। मैंने पिछले तीन वीडियो में आपको अवधारणाएं समझाई थी। यहाँ पर आपको पता है कि दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल बराबर है, अगर दूरी को हम समय से भाग करते हैं तो चाल निकल आएगी, और समय निकालने के लिए दूरी को हम चाल से भाग करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पे हम इकाई के द्वारा सूत्र निकाल सकते हैं। 1 घंटे चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो 1 घंटे में दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है, बराबर है 60 किलोमीटर। और जाना कितने, उसने 3 घंटे में दूरी तय करती है। 3 घंटे ज़्यादा दूर जाएगी, पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 60, 3 बार 60, यानी कि 60 को 3 से गुणा कर देंगे, 180 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारा दूरी का सूत्र क्या हुआ, ये चाल गुणा समय। बच्चों, आपने गणित में सूत्रों को रटना नहीं है, सूत्र को समझना है। सूत्र कहाँ से आते हैं, अगर आपने सूत्र समझ लिए तो फिर आपका काम हो गया, आप कभी भूल नहीं पाओगे उनको और आपको गणित बहुत ही आसान और रुचिकर लगेगा। ये सूत्र हमारा पहला समझ में आ गया। मैंने पिछले वीडियो में चाल और समय के सूत्र भी इसी प्रकार से आपको समझाए थे। चलिए आगे शुरू करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि दूरी हमारी किलोमीटर या मीटर में हो सकती है। लंबी दूरी किलोमीटर में और छोटी दूरी जैसे आपके घर से स्कूल तक की दूरी या आपके घर से आपके खेत की दूरी वो मीटरों में हो सकती है। जैसे आपके गांव से शहर की दूरी वो ज़्यादा बड़ी दूरी है तो वो किलोमीटर में मापते हैं उसको। समय, समय वो घंटे, मिनट या सेकंड में मापते हैं। और वो जो चाल इन्हीं के हिसाब से आती है, अगर वो 1 घंटे में दूरी तय करती है कुछ किलोमीटर, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड। इसमें क्या है कि चाल तो हमें यह बताता है कि एक इकाई समय में, वो एक इकाई 1 घंटा हो सकता है, वो एक इकाई 1 मिनट हो सकता है, वो सेकंड हो सकता है। 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी है, वो उसकी चाल है। तो चाल तो हमारी दूरी और समय पर निर्भर करती है। यहाँ पर सवाल करने से, एक सवाल के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। अनिका के पास एक साइकिल है और वो अपने घर से स्कूल साइकिल पर जाती है। अनिका साइकिल पर 200 मीटर प्रति मिनट की चाल से स्कूल जाती है। यानी कि इसका क्या अर्थ है कि अनिका का साइकिल 1 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताओ वह स्कूल में 5 मिनट में पहुंच जाती है, वह स्कूल 5 मिनट में पहुंच
जाती है दूरी घनत्व। बिल्कुल सीधा सवाल है, आपने दूरी निकालनी है, चाल दे रखी है, चाल लिखेंगे, चाल बराबर है 200 मीटर प्रति मिनट। समय की तरफ चो, समय दिया हुआ है 5 मिनट। अब यहाँ पे देखिए, ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में है, ये दोनों सेम में होनी चाहिए हमारे पास। तो दूरी कैसे निकलेगी, दूरी सीधा ही है, चाल पहले सूत्र लिखेंगे, चाल गुणा समय, यानी कि 200 गुणा 5 तो कितनी आ गई 1000 मीटर। और 1000 मीटर क्या बनते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या 1 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि अनिका का घर स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है। चलिए आइए एक उदाहरण और देखते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, बताओ वह 15 मिनट में कितनी दूर जाएगी, बताओ 15 मिनट में कितनी दूर जाएगी। क्या निकालना है बच्चों, दूरी निकालनी है, चाल कितनी है कार की 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 15 मिनट, और दूरी कैसे निकलेगी, चाल गुणा समय। परंतु यहां पर एक बात देखिए, चाल प्रति घंटा में दे रखी है और समय मिनट में दे रखे है, तो हमें यहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, समय को भी हम घंटे में बढ़ा लेंगे। 15 मिनट बराबर है कितने घंटे होते हैं, 15 मिनट बराबर है 15/60 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो उसको हम 60 से भाग कर देंगे तो हिस्सा बन जाएगा हमारा, कौन सा हिस्सा आ गया, 1/4 घंटा। अभी हमारा घंटा बन गया, 1/4 घंटे, चौथा भाग गई। अब दूरी निकालेंगे, दूर चार कितनी है उसकी, 72 गुणा में समय 1/4। अब सीधा ही हम इसको क्या कर देंगे इसको सॉल्व कर देंगे, चार पे चौथाई हिस्से बांटना है ना, 72 को 4 से भाग करेंगे, 4 बराबर हिस्से बनेंगे, तो कितना आ गया बच्चों 18। तो दूरी कितनी आ गई हमारी 18 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर ये इकाई अलग अलग है, यहाँ पे घंटा है चाल और समय मिनट में है, तो उसको हमें मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ मिनट में है और यहाँ घंटे है, तो इस घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, हमें इकाई को चेंज भी करना पड़ता है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा ये बात। एक बस 150 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, बस दूरी कितना है, बस दूरी कितनी है 150 किलोमीटर, समय कितना लगता है उसको 2/1/2 घंटे, और क्या निकालनी है चाल। आपको पता है चाल कैसे निकालेंगे, दूरी भाग समय। तो समय इसको पहले हम ठीक कर लेंगे, 2 घंटे और आधा घंटा है ना, इसको पहले हम मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर वे से बदलेंगे, कैसे 2 × 4 और 1/5/2 घंटे। अब ये किलोमीटर है घंटे सीधा ही आ जाएगा चाल, 150 भाग में 5/2, यानी कि 150 ये भाग को हम, जैसे आपको पता है हम इसको बदल देते हैं, गुणा करते हैं और 2/5 से भाग में हम रकम को चेंज कन्वर्ट उल्ट देते हैं, भाग का चिन्ह गुणा हो जाता है और 5/2 का 2/5 हो जाता है, ये आपने यहाँ पे समझ लेना है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों होता है, फिर 5 से काट देंगे 5 30 और 30 × 2 = 60, तो कितनी आएगी चाल उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी ना, यहाँ प्रति मिनट नहीं आएगी, प्रति घंटा आएगी, क्योंकि समय घंटे में। इस प्रकार से ये चाल दूरी और समय के सवाल हमने करनी है। एक सवाल और देखते हैं, चलो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति
सेकंड में बदलो, कैसे बदलेंगे बच्चों? क्या मतलब है? अभी कार की कार दूरी कितनी तय करती है? 72 किलोमीटर। समय कितना लगता है उसको? 1 घंटा। इसके बनाने हैं मीटर, इसके बनाने हैं सेकंड। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 72 किलोमीटर में 72,000 मीटर। 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब क्या निकाला है? चाल, वही सूत्र हमारा, दूरी भाग समय। दूरी कितनी है? 72,000 भाग में समय। इसको भाग कर देंगे तो क्या कितनी आ गई उसको? 20 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम दूरी को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए, कंपटीशन के लिए था एक सवाल, एक सवाल और देखिए इसमें। रवि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है। चाल कितने कार की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका कार्यालय घर से 30 किलोमीटर दूर है। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। उसे कार्यालय में 10 बजे पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना है उसको? 10 बजे पहुंचना है। तो वह घर से कितने बजे चले? घर से कितने बजे चलेगा, ये आपने क्या करना है? चलिए पहले समय निकालते हैं। उसको कार्यालय पहुंचने में समय कितना लगेगा? समय बराबर है दूरी भाग चाल, ये आपको पता है। दूरी कितनी है हमारी? 30 किलोमीटर भाग में चाल 60, तो 30/60 यानी कि 1/2 घंटे। तो इस घंटे को मिनट में बदल सकते हैं, 1/2 घंटे यानी आधा घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो आधे घंटे में यानी कि 60 का 1/2 तो कितना आ गया हमारा? 30 मिनट। आधा घंटा 30 मिनट का होता है ना, ये आपने समझ लेनी है। अब 30 मिनट उसको लगते हैं, और दफ्तर में कितने बजे पहुंचना है उसको? 10 बजे। तो कितने बजे चलेगा घर से? आधा घंटा पहले चलना पड़ेगा ना उसको। तो देखिए 10 बजे पहुंचना है उसको, और उसको 30 मिनट रास्ते में लगेंगे, तो कितने बजे पहुंचेगा वो? तो यहाँ पे घटाना कैसे है समय को? ये 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट होती है। 60 मिनट में 30 मिनट गया, 30 मिनट और 9। तो इस प्रकार से हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि जो 10 बजे पहुंचने के लिए 30 मिनट पहले घर से चलना पड़ेगा। 30 मिनट का मतलब है कि 30 मिनट पहले घर से चलेगा वो, तो घर से किसे चलेगा वो? 9:30 पर वो घर से चलेगा, तभी वो अपने ऑफिस में 10 बजे पहुंचेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद।